हे एवरीवन, वेलकम टू मनी मग। आपका स्वागत है आपके चैनल पे। मैं हूँ सीए पिंकेश टकरानी और आज इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं दो फार्मा स्टॉक्स की जो कि मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं। मैं अपने चैनल पे बहुत ही कम बात करता हूँ फार्मा स्टॉक्स के बारे में। इसके पहले मैंने काफ़ी समय पहले कैपलिन पॉइंट का एनालिसिस किया था एंड उसके बाद से ये शेयर लगभग डबल हो गया है। यस, लेकिन शेयर्स की चाल एंड उनके ऑनगोइंग बिजनेस के बारे में जानकर आराम से जो है इन्वेस्ट किया जा सकता है। सो आई एम वेरी चूजी अबाउट द फार्मा सेक्टर कंपनी। तो अभी फिलहाल में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस है मेरे पास में जिसकी वजह से मैं फार्मा शेयर्स के अंदर में निवेश कर रहा हूं, वो सब आपके साथ में इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करूंगा। दोनों शेयर्स बहुत ही फंडामेंटली साउंड है एंड आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। इमीडिएटली अगर उन्होंने रिटर्न नहीं भी दिया तो आगे आने वाले सालों के अंदर में बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। एक तो चली हुई कंपनी है, करेक्टेड है, काफ़ी अच्छा जो है आपको रिटर्न देगी। दूसरी कंपनी बहुत ही हाई ग्रोथ के अंदर में चल रही है, उसके रीजंस मैं आपको बताऊंगा एंड आपको जो है सब चीज़ें फाइनेंशियली जो है जो भी मनी कंट्रोल पे अवेलेबल है वो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में बताने वाला हूँ। राइट, तो सबसे पहले तो आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, बिकॉज मोटिवेशन मिलता है मुझे भी एंड यूट्यूब को पता चलता है कि लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। स्मॉल केसेस आपको लेने हैं तो जो टॉप के सबसे बेहतरीन स्मॉल केसेस है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको दे दिए हैं, पिन कमेंट भी मैं डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते दोस्तों सबसे पहले मनी कंट्रोल पर आ जाते हैं हम लोग, निफ्टी फार्मा पे देख लेते हैं कि इंडेक्स क्या कहता है। निफ्टी फार्मा में चार्ट देख लेते हैं गाइस, मुझे चार्ट देखना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे यहाँ पे पैटर्न्स के बारे में पता चलता है। तो आई वुड गो फॉर द वन डे चार्ट, यहाँ पर देख लेते हैं। वन डे चार्ट भी पूरा का पूरा यहाँ पर नहीं आ रहा है, सो आई वुड गो फॉर लाइक यस, मैं जो है पूरा यहाँ पर वन ईयरली चार्ट देख लेता हूँ। यस, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों सबसे पहले ये रेसिस्टेंस आप देखिए, रेसिस्टेंस लगभग 13,400 के करीब करीब का है और यहां से करेक्शन आया। करेक्शन के बाद में आपने यहां पर देखा कि ये लो लगा है, फिर हायर लो लगा है, फिर लोअर लो लगा है और यहां पर फाइनली जो है सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया जो कि 11,400 है एंड उसके बाद में जो रैली हुई लगातार चलती रही और आप देखेंगे ये 14,700 के करीब करीब पहुंचा, 14,800 के ऊपर भी गया है लेकिन फिर ये करेक्शन आने लग गया और करेक्शंस काफ़ी शार्प आते हैं। कभी भी करेक्शंस बहुत ही शार्प आते हैं, अच्छे खासे शेयर्स के अंदर में करेक्शन आया। एक वीडियो मैंने बताया था जिसके अंदर में एलिम्पिक फार्मा, ये एक और स्टॉक है फार्मा का जो मैंने अपने वीडियो के अंदर अपने चैनल के अंदर में डिस्कस किया है। तो बेसिकली वहाँ पर भी अच्छा खासा करेक्शन आया, वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ बढ़ गए थे यानी कि लोगों की जो टेंशन है साफ साफ नजर आ रही थी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो रेंज आप देख रहे हैं दिस रेंज इज 13,200 से लेकर 13,500, ये एक रेंज जो है आपको सपोर्ट रेंज दिख रही है। तो ब्रॉडर सेंस में हम लोग कहें तो यहाँ पर एक सपोर्ट मिलते हुए नज़र आ रहा है। अगर ये सपोर्ट मिलते हुए नज़र आ रहा है तो गाइस इसका मतलब ये है कि फार्मा सेक्टर में एक दूसरा रैली शुरू हो सकता है और क्योंकि बाकी सेक्टर्स जो है वो उछले हुए हैं तो ऐसे केस में डिफेंसिव सेक्टर्स के अंदर में पैसा जाएगा और फार्मा एक डिफेंसिव सेक्टर भी है। पिछले एक क्वार्टर के अंदर में जो धुनाई हुई है उसके बाद में यहाँ पर लग रहा है कि बॉस वापस से एक रैली आने वाली है और ये रैली आएगी तो एक लंबे समय तक चलेगी, यानी कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि शॉर्ट टर्म के अंदर में वापस अपने हाईस अचीव हो जाएंगे यहाँ पर, लेकिन एक लंबा समय रख सकता है 6 से 8 महीने। तो अभी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन हमारी उतनी भारी नहीं रहने वाली है जो पिछले 1-1.5 साल के अंदर में हमने देखी है। तो गाइस देखते हैं हमारे दो स्टॉक्स वो कौन से हैं, बिकॉज मुझे पता है आप उसका जो है इंतजार कर रहे हैं। तो ये रैशनल था बताने के लिए कि क्यों भाई निफ्टी फार्मा की तरफ मैं जा रहा हूँ। राइट, तो व्हाट इज द फर्स्ट शेयर, पहला शेयर जो मेरे पास में है आप सब लोगों के लिए है वो है लॉरस लैब्स। इसने काफ़ी अच्छा करेक्शन दिखाया है, 700 के ऊपर पहुंच गया था, चार्ट में देख लेते हैं। यस, देखिए ये 722 के लेवल पे पहुंच गया था और गिरते गिरते कई लोगों को इसने परेशान कर दिया और ये भाई 450 के लेवल पर आ गया, लेकिन अब बहुत ही शानदार यहाँ पे तो वी शेप रिकवरी देखने को मिल रही है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, इसी से हम लोग जो है डिसीजन ले लेंगे। देखिए इसका अगर आप सेक्टर पी देखते हैं तो 37 आता है, अगर आप इसका इसका पी देखते हैं तो 28 आता है, यानी कि ये अंडर वैल्यू दिखता है सेक्टर के हिसाब से। 28,000 करोड़ की कंपनी है, एम कैप आपको देखना चाहिए, 28,000 करोड़ की एक कंपनी है, प्रॉफिट कितना कमाती है चलिए देख लेते हैं। 4,800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, प्रॉफिट कमाती है, जी हाँ 1,000 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर मैं गाइस इसको कंपेयर करता हूँ विद डीवीज लैब, डीवीज लैब का प्रॉफिट इसके दो गुना है,
ठीक है, डीवी स्लैब का प्रॉफिट जो है इसके दो गुना है, मार्केट कैप भी जो है दो गुना है। आप समझिए इस बात को, आप समझिए इस बात को कि अगर मैं डीवी स्लैब देख लेते हैं, एक बार काम कर लेते हैं, डीवी स्लैब भी देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। सो कंपेयर, डीवी स्लैब मुझे बहुत पसंद है, मुझे कोई कंपनी के रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं उन कंपनीज में जाऊंगा जो मिड साइज है एंड देन उसके बाद में काफ़ी अच्छे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है। 1,27,000 करोड़ रुपये इसका एम कैप है, 59 के PE पर ये चल रहा है एंड देन उसके बाद में आप इनका प्रॉफिट देखेंगे गाइस। प्रॉफिट देख लेते कितना है भाई, कहाँ गया कहाँ गया। यस तो प्रॉफिट आप देख लेंगे तो डबल प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिखेगा। यस ये जब 2,000 करोड़ का है तो आप समझिए एक ग्रोइंग कंपनी है और एक ग्रोइंग कंपनी जो है वो 1,000 करोड़ का प्रॉफिट अभी कमा रही है। काफ़ी डिफरेंट सेगमेंट्स में है जिसमें API है, ऑनकोलॉजी है, मैंने इनका जो वेबसाइट देखा था उसके हिसाब से बता रहा हूँ, और इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट भी जो है पॉजिटिव है बिकॉज रिकवरी इतनी जोरदार आ रही है इसके अंदर में, शानदार आ रही है। तो ये शेयर आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा कमेंट करके बताइए कि आपके व्यूज़ क्या है लॉरेंस लैब के ऊपर में। मुझे ऐसा लगता है कि लॉरेंस लैब जो है काफ़ी आगे बढ़ने वाला है। डेट टू इक्विटी रेशियो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है भाई, मज़ेदार, सबसे बेस्ट चीज़ ये दिखती है मुझे इसके अंदर में। तो लॉरेंस लैब मेरा पहला पिक है फार्मा सेक्टर के अंदर में अगले 2 से 3 साल के लिए। अगर मेरे रिटर्न्स इसके पहले ही आ जाते हैं तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा भाई। अगर मुझे यहाँ पे 700 के लेवल्स मिल जाते हैं यहाँ पे इस लेवल पे निवेश करने के बाद मैं निकल जाऊंगा, या फिर अपना प्रॉफिट जो है बुक करके एंड उतने शेयर्स फ्री के छोड़ के समझ के भूल जाऊंगा पूरी तरह से। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, आपको भी बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट, अब मैं इसमें जो है ROC वगैरह की बात नहीं करूंगा, फार्मा कंपनीज के अंदर में हमेशा आपको ROC अच्छे देखेंगे। तो देख लेते एक बार ROC देख लेते हैं, वी विल गो टू रिटर्न रेशियोस, उसमें ROC 27% का जबरदस्त है, जबरदस्त है, ठीक है। देन नेक्स्ट शेयर की बात करते हैं जो मेरा बहुत ही पसंदीदा शेयर है और वो है स्मॉल कैप कंपनी है, और देखते हैं स्मॉल कैप कंपनी कौन सी है, और ये है मार्क सन्स फार्मा। सन्स नहीं है, सन्स है, ठीक है। तो मार्क सन्स फार्मा बहुत ही फेवरेट कंपनी है बिकॉज ये डाइवर्सिफाइड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी जगह पर ये लोग जो है प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, नॉट काफ़ी सारी सेक्टर्स है ना, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ये लोग बना रहे हैं अलग अलग टाइप के। और ये देखिए करेक्शन तो भाई बहुत ज़्यादा आया है इसके अंदर में, करेक्शन इस 97 का ये शेयर जो है अब आपको 50-55 के लेवल पे मिल रहा है, 57 के लेवल पे मिल रहा है। भाई ये एक ऐसा शेयर है जो मुझे ऐसा लगता है बॉस कि इसको आप कितनी भी बार जो है एवरेज कर सकते हैं बिकॉज इसने जो इसके पहले हाइज बनाए हैं, लेट्स गो फॉर द हाइज। और यहाँ पर आप देखेंगे 2016 का इसका ही 114 का, अभी तक वापस से रिक्लेम नहीं किया है इसने। और फाइनेंशियल्स आप देखेंगे बड़े जबरदस्त फाइनेंशियल्स है भाई इसके। एक तो ये 10 के भी कम PE पर मिल रहा है, 10 के भी कम PE पर मिल रहा है। कई लोग पूछते रहते हैं मुझसे भाई पैनी स्टॉक बताओ, मल्टीबैगर बताओ, ये पैनी स्टॉक की डेफिनेशन में डाल दीजिए आप इसको बिकॉज ये सही में पैनी स्टॉक है। आप पैनी स्टॉक का मतलब समझ 10 रुपए के नीचे हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए के, नहीं 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 नहीं, गए वो जमाने भाई। पैनी स्टॉक का मतलब होता है कोई शेयर जो $2-3 का आता है उसको पैनी स्टॉक बोलते। तो आप इंडिया के प्रस्पेक्टिव में देखो ना, $2-3 मतलब कितना होता है, 150-200 रुपए होता है। तो फिर ITC भी पैनी स्टॉक हुआ ना उसके हिसाब से। इंडिया के प्रस्पेक्टिव में देखेंगे तो ये सही में मुझे एक पैनी स्टॉक दिखता है। मार्केट कैप मात्र 2400 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल्स देखते हैं जबरदस्त ग्रोथ आपको देखिए, 2017 से लेकर 2021 तक रेवेन्यू लगातार बढ़ते जा रहे हैं, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ते चल रहे, 238 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर्स के हिसाब से देख लेते हैं तो ये क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आया है, 361 करोड़ रेवेन्यू वाइज तो काफ़ी अच्छा है। यस प्रॉफिट में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम गया है, लॉजिस्टिक इश्यूज वगैरह थे, रॉ मटेरियल का कॉस्ट वगैरह बढ़ा हुआ था, सो मेनी थिंग्स, लेकिन काफ़ी रिस्पेक्टेबल प्रॉफिट यहाँ पर आया है। एंड यस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो सर आप करना भूल जाते हैं, वो ये है कि डेट टू इक्विटी रेशियो बताइए इसका, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। डाइवर्सिफाइड कंपनी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप चेक कर सकते हैं, एंड इसके हिसाब से मुझे ये जो कंपनी है ना इस पर मैं मतलब बुलिश हूँ। मैंने एक दो अपने फ्रेंड्स को ये सजेस्ट भी किया था, आप अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा किसी भी यूट्यूब वीडियो के बेसिस पर। मैं आपको यही कहूँगा कि उस पर पूरी तरह से राय मत कीजिए, अपना डिसीजन लीजिए, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ कर ही डिसीजन लीजिए। तो मैं इस कंपनी पर जो है बुलिश हूँ। 2 स्टॉक्स आपके साथ में मुझे शेयर करने थे, कैसा लगा आपको ये स्टॉक पिकिंग, और आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए बिकॉज आपके कमेंट्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कौन सी 2 कंपनीज पर जो है आप चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। यस मैं बालाजी अमाइंस पर भी वीडियो बनाऊंगा, लास्ट टाइम मैंने उसके बारे में डिस्कस किया था कि थोड़ा उनका जो है
कुछ इशू आ गया फैक्ट्री के अंदर में, स्मॉल इंसिडेंट्स है, अब वापस से वो शेयर जो है बढ़ना शुरू हो गया है। सो विल सी इन टू इट, उस पर भी मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा। आप भी अपनी कंपनीज लिखिए, कुछ सवाल पूछिए, कुछ ऐसे सवाल पूछिए जो हटके हो, जो कि ब्रॉड चीज के बारे में पूछे, बिकॉज स्टॉक्स को कवर करते हुए हम कहीं ना कहीं साइकोलॉजी को कवर नहीं करते, बिजनेस ट्रेंड को कवर नहीं करते, तो इस तरह के भी कॉमेंट्स आते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर में जल्दी से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।